लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन आज व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। वहीं इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त हुआ। अल सुबह से ही घाटों पर व्रत करने वाली उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़े दिखे। अर्घ के दौरान छठ व्रती पानी में खड़े रहे। इसके बाद फल और प्रसाद से भरा दौरा सूप लेकर भगवान सूर्य की उपासना की गई। भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रतियों ने छठ का प्रसाद खाया और व्रत खोला। आपको बता दें कि छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस चार दिवसीय छठ पूजा का समापन उषा अर्घ होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ के व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उदित होते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद सूर्यदेव और छठ माता से संतान के सुख जीवन और परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। छठ का पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता आरती रॉय हमसे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आरती, छठ का महापर्व का समापन हो गया है, महिलाओं ने सूर्य को अर्घ देते हुए अपना व्रत तोड़ा है, क्या कुछ खास वहां पे देखने को मिला है इस दौरान? जी बिल्कुल फातिमा, आपको बता दें कि छठ का आज चौथा दिन था और चौथे दिन एक के साथ ही व्रतियों का जो ये है छठ का महापर्व का समापन हो जाता है और जो व्रती हैं भोजन ग्रहण करती हैं आज के दिन 36 घंटों के ये लंबा जो ये व्रत होता है उसके बाद आज समापन के बाद भोजन ग्रहण करती है और इस दिन उगते सूर्य को जल दिया जाता है और इसी के साथ जो छठ का समापन हो जाता है और नहा खाए से जो होता है ना इस छठ महापर्व की शुरुआत होती है और दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है और चौथे दिन उषा अर्घ्य के को दिया जाता है। बाद में आपको बता दें कि पूर्वांचल में ये ज्यादातर मनाया जाता है, पूर्वांचल के कुछ कुछ इलाके हैं जैसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और माना यह जाता है कि छठ व्रत संतान की लंबी उम्र और संतान की खुशहाली के लिए, उनके जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है। जी फातिमा, चलिए बहुत शुक्रिया आरती तमाम जानकारी के लिए। तो छठ का ये महापर्व का आज चौथा दिन था और इसी के साथ महिलाओं ने व्रत खोलकर आज इस छठ के महापर्व का समापन किया।